पाटन के कैथरा गांव में कुत्ते को पीट पीट कर मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसे लेकर मामले में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। गांव के सरपंच और उनके पुत्र के साथ उनके साथियों ने गांव के ही अरविंद घर के कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद पशु प्रेमी खासे आक्रोशित हुए। रविवार को पाटन की नूनसर चौकी में बड़ी संख्या में पशु प्रेमी पहुंचे और उन्होंने मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि जिस तरह से कुत्ते की निर्मम हत्या की गई है पूरी तरह से विभत्स है। ऐसे में मामले में आरोपी सरपंच और उसके पुत्र के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं मामले में पाटन पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। वेद गर्ग, क्या घटनाक्रम हुआ था? जे कुत्ते को मारने आए थे करीब 2:30 बजे 14 जुलाई को, शुक्रवार के दिन। जे कुत्ते को मारने आए थे, हम लोग मना भी कर रहे थे कि नहीं मानना। उन लोग जबरदस्ती घर में घुसे, ढक्का दे के हम लोग को घुसे, ऊपर से रॉड वॉड बांध दिए उसको, उसका मुंह पूरा फट गया था। फिर उसकी आंखें भी फोड़ दिए थे ऊपर राइजर से मार के। फिर बहुत खराब मारे हैं उसको, जाला भी फंसाए थे उसको। मतलब सब पुलिस वाले भी मना कर रहे थे, पुलिस वाले मना भी कर रहे थे कि उसको मारना मत, लेकिन इन लोग मारे थे। और सरपंच के लड़का ने भी मारा था, आदित्य पटेल ने, बहुत मारे थे लोग उसको, जान से मतलब मार दिए। हम लोग को भी उसकी अब याद आती है। तो क्या गांव में दहशत है उन लोगों की? हाँ, दहशत है उन लोग। हम लोग मतलब अकेले ही हैं, वो परिवार पंडित हम लोग का अकेला है, लोग पूरे हो जाते हैं। हाँ, तो हम लोग को मतलब डराते, पापा को भी मारने की धमकी दी 1-2 बार, लेकिन एक बार मारे भी हैं, मतलब बाल खींचे हैं उनके भी। वेद गर्ग, घटनाक्रम हुआ चतरा गांव में, क्या मानती हैं आप इसको? ये जिस भी तरह का घटनाक्रम है, एक तो ये पूरी तरह से अमानवीय है। हमें किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है, चाहे वो पागल हो, कुछ भी हो। अगर यही घटना किसी इंसान के बच्चे के साथ होती तो क्या प्रशासन इसी तरह से सो रहा होता आज? आप बताइए ना, आप किसी भी कुत्ते को, एक तो आप पहले साबित करिए कि वो पागल था, और अगर वो पागल था भी तो क्या आपको किसी ने मारने का अधिकार दिया है? और आप एक सरपंच होने के नाते न्याय की मूर्ति है वहाँ पे, और आप इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपको एज ए सरपंच, सरपंच इन्वॉल्व थे, सरपंच के बेटे और सरपंच इसमें इन्वॉल्व है। जो हमें सुनने में आया उन्होंने बताया है, जिनके कुत्ते को मारा गया है उन्होंने बताया, और वीडियो में भी सरपंच का बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसको जेल में जाना चाहिए और इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सड़ना चाहिए जेल के अंदर, तब इसको समझ में आएगी। क्या नाम है? मेरा नाम नेहा सोनी है, मैं वीव एनिमल वेलफेयर सोसाइटी में एक मेंबर हूँ एनजीओ की। नगर निगम के भी कुछ? हाँ, इसमें हमें सुनने में आया है कि नगर निगम गई थी पकड़ने, पर जिस तरह से उसको पकड़ा गया मच्छरदानी डाल के, नगर निगम इस तरह से नहीं पकड़ती। और अगर ये नगर निगम की टीम इसमें थी तो नगर निगम के खिलाफ सबसे पहले एक्शन होना चाहिए कि आपके प्रेजेंस में कुत्ते को इस तरह से पकड़ के कैसे कोई मार सकता, और ये पकड़ने का तरीका नहीं होता, ये गलत है। ये सब आपसी रंजिश है भाई साहब, झुला से हम शिकायत करते रहते हैं सरपंच के खिलाफ में, अवैधानिक तरीके से कार्य करते हैं। एक शासकीय तलैया है वहाँ पे, उनने अपने परिजनों का कब्जा करा रखा है, उसकी शिकायत हमने SDM साहब को भी दी थी, उसके बाद में आज तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। कुत्ता तो एक बहाना है, वो हमें धमकाते हैं, घर में आके धमकी भी दिया कि यहाँ रहना बंद करो, ये वो कर देंगे, फलाना ढिकाना। फिर उस दिन जैसे इनने किया तो हम यहाँ शिकायत करने आए थे, हमें नहीं मालूम था, हमारे घर में हमारा बालक और हमारी मिसेस अकेले थे, और ये कम से कम 20-25 लोग हमारे घर में घुस के ज़बरदस्ती हमारे कुत्ते को ऊपर से मारते हुए नीचे तक लेके आए। फिर इन लोगों ने तार डाला उसके मुंह में, यहाँ से फाड़ दिया, आँख निकली थी उसकी। फिर हमने अपने बालक से बोला कि ये छोड़ आए वहाँ जंगल में, जहाँ भी तो देख लेना अच्छे से रहा है वहाँ पे। जब इन लोगों ने वहाँ जाके देखा तो ये दहशत में थे हमारे बालक लोग, उनके साथ एक बालक और था वहाँ पे। बहुत क्रूरता से इन लोगों ने कुत्ते के मुँह ही मुँह में मारा है, लट्ठे लट्ठ मारे हैं, उसका जबड़ा भी फटा हुआ था, आँख भी निकली थी। फिर हम जबलपुर से वापस गए, इनका फ़ोन आया कि पापा वो मर जाएगा, आप आ जाओ देख लो। फिर हम गए वहाँ, तो फिर जाके वहाँ व्यवस्था की उसकी, फिर उसकी जान निकल गई, थोड़ा हमारे सामने तड़प तड़प के मरा वो, बहुत गंदी मौत मारी भाई साहब। इन लोगों को बहुत गंदी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि इंसान के लिए भी घातक हैं, और ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं सरपंच साहब, इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई हो। क्या नाम है सरपंच? कृष्ण कुमार पटेल, पिता अंबिका प्रसाद पटेल, आदित्य पटेल उन्हीं का लड़का है, राम कुमार पटेल, सुरेंद्र पटेल, ब्रह्मानंद पटेल, बबलू पटेल। किसी पार्टी को ये बिलोंग करते हैं? हाँ, ये भाजपा से बिलोंग करते हैं, इनके भाई साहब इनके परिवार के एक दबंग हैं,
के शिव कुमार पटेल, शिव पटेल अपने अंधुआ वाले पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष हैं, उनकी वजह से ये सब वजनदारी बताते हैं और दब के रहो इनसे तो ठीक है, और नहीं तो ये तो अपने मन की सारी चीज़ें करवाते, कहीं रोड भी हमारे घर से जबरदस्ती निकाल लिया उस समय ठीक है भाई, दो सिड्डी दब गई सबका भला हो रहा ठीक है, पानी निकलने तक की कहीं से व्यवस्था नहीं, ये व्यवस्थाएं कभी कुछ करते नहीं, अच्छा काम करेंगे नहीं केवल बुरा ही करेंगे किसी का भी, तो इनको पद में रहने का तो कोई औचित्य नहीं है। आज ये पद में है तो एक जानवर के साथ इतना बहसी तरीके से इनने मारपीट की है, कल के लिए इंसान के साथ ये लोग क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार गर्ग। ये ग्राम कथरा के अरविंद गर्ग जी द्वारा ये शिकायत की गई है कि इनके कुत्ते को गांव के लोगों द्वारा मार डाला गया है, उसके संबंध में शिकायत जांच करके अभी वैधानिक कार्रवाई कर ली जाएगी। जांच में पता चलेगा कौन कौन से धारा का अपराध किया है, जांच के बाद धाराएं उपयुक्त लगाई। जिनके द्वारा ये कार्य किया गया है वो कोई गांव के दबंग है क्या, किसी पद पर हैं? अब वो किस प्रकार के हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि दबंग है कि कौन है। इस मामले पे एफआईआर दर्ज होगी? बिल्कुल होगी, दर्ज होगी। वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ मारपीट कुत्ते का, तो उसपे जो वीडियो वो वीडियो भी साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा। जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।